अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं आलू गोभी, और हम खाना बनाना रेडी कर चुके हैं। और ये हमारे प्याज ब्राउन होने लगे हैं, और ये हमारे पास आलू है, गोभी है, और ये टमाटर, और इसके अलावा यहाँ ये हम इसको लहसुन अदरक को पीसने लगे हैं। तो जब तक प्याज ब्राउन होते हैं तब तक हम अपना दूसरा काम कर लें। तो ये हमारे प्याज जो हैं ब्राउन होने हो चुके हैं, और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं टमाटर। ये प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें हमने ऐड कर दिया टमाटर। थोड़ा टमाटर को गलने देंगे हम। अच्छा जी, इसमें जो है हम ये मिक्स कर लें लहसुन अदरक को जो है हमने ऐड कर दिया है, तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। ये हम जो है अक्सर अपने खाना बनाने में मिक्स मसाला ही ऐड करते हैं। मिक्स मसाला हमने ऐड कर दिया, और इसमें अभी हम ऐड कर रहे हैं नमक। आज गर्मी बहुत थी और 45 डिग्री टेम्परेचर था आज यहाँ का, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। किचन में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई इस वक्त, और अभी हम कोशिश करते हैं एग्जॉस्ट फैन ऑन कर लें। ये हमारा एग्जॉस्ट फैन ऑन हो गया। ये हमारा जो है खाना तैयार हो रहा है। आवाज़ मुझे लग रहा है कि शोर ज़्यादा आएगा वीडियो में ना एग्जॉस्ट चलाने से। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं वीडियोस को। मैं एग्जॉस्ट फैन बंद कर दूँ, इसका शोर ज़्यादा हो रहा है। हर आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। और मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आता है। अच्छा जी, तो अभी इसमें हम जो है आलू ऐड करने लगे। आलू वगैरह हमने धो लिए, और हमने अपनी गोभी भी जो है धो ली। अच्छा जी, तो हमने आलू जो है वो डाल दिए हैं, और हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि आलू थोड़े ऐसे नरम हो जाए, तो उसके बाद हम फिर इसमें डालेंगे गोभी। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरी वीडियो जब भी देखें तो उसमें कोई नुक्स या कोई कमी हो तो ज़रूर बताया करें, कि नेक्स्ट टाइम हम वो कमी दूर करने की पूरी कोशिश करें। वैसे ही हमारा जो है ना मसाले वगैरह डालने का जो अपना ही एक तरीका है, अपना ही अंदाज है, जो हम मिक्स मसाला इसमें डालते हैं। वरना तो हर घर में जो है ना मुख्तलिफ मसाले होते हैं, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ये वो क्या क्या, हम मिक्स मसाला नॉर्मली लाते हैं तो वो यूज़ करते हैं, सेम बेहतरीन जायका बनता है। और कोशिश करें कि आप लोग भी जो है ना मिक्स मसाला ला के वही यूज़ किया करें, और ज़्यादा मसालों से आप लोग की जान छूटे। उसकी जगह हरी मिर्च डाल लिया करें, ज़्यादा मसाले वाले जो लोग ज़्यादा मसाला खाते हैं उसमें हरी मिर्च वगैरह ऐड कर लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो इसमें हम जो है गोभी ऐड करने लगे। गोभी वगैरह हमने इसमें जो है डाल दिए, वो हमने मिक्स कर लें इसको अच्छी तरह। अच्छा, गोभी वगैरह हमने जो है मिक्स कर दिए अच्छी तरह, और अभी हम इसे जो है ढाँप देंगे थोड़ी देर तक, ताकि ये जो अपना पानी वगैरह छोड़ दे और घुल मिल जाए। और तकरीबन 30 से 40 मिनट बाद हमारी ये आलू गोभी हो गई है बेहतरीन तैयार, और अभी हम इसे सर्व करेंगे।